हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैगाबॉन्ड ट्रैवल फॉर अ पर्पस। सो आप जो जानते हैं, हम इस समय जम्मू में हैं एंड जम्मू में हम अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर आए हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली बाघे बाहू। दिस इज़ अ गार्डन एक्चुअली एंड अ फोर्ट, बाहू फोर्ट बोलते हैं, विच वॉज एक्चुअली बिल्ट बाई बाहू लोचन, रूलर कॉल बाहू लोचन इन द 15th सेंचुरी। तो The features of this garden is the views are very beautiful from this garden. पूरा जम्मू शहर दिखाई देते जाता है एंड पहले हम लोग माँ काली का दर्शन कर लेंगे। उनका एक मंदिर है यहाँ पर जो उन्हीं रूलर्स ने, डोगरा रूलर्स ने बनाई थी। तो चलिए पहले इस मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको गार्डन ले चलते हैं एंड गार्डन से व्यूज आपको दिखाएंगे एंड ऑल्सो वी विल शो यू अ ब्यूटीफुल एक्वेरियम इन दिस गार्डन विच इज़ द बिगेस्ट इन दिस रीजन। एक्वेरियम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। चलिए अभी मंदिर की ओर चलते हैं। पहले सो बिफोर वी बिगिन, आपको एक नज़र दिखा देते हैं वेयर दिस बाहू फोर्ट इज़ एक्चुअली लोकेटेड। सो जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं, बाहू फोर्ट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ दिस जम्मू सिटी इन अ गुड कन्वीनियंट लोकेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द तवी रिवर। यहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं एंड आप यहाँ से तवी रिवर और ओल्ड सिटी का पूरा नज़ारा ले सकते हो। सो अ शॉर्ट वीडियो ऑन वॉट एग्जैक्टली टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कैंपस। सो जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है बाहू फोर्ट और इसके साउथ में जैसे आप देख रहे हो, इसी कैंपस के अंदर है ये सब कुछ। तो माँ काली का एक मंदिर है और मंदिर के पास आपका फिश हाउस जो दिख रहा है, दैट इज़ द एक्वेरियम। एंड एक्वेरियम से थोड़ा सा आगे जैसे आप बाहू फोर्ट पार्क देख रहे हो, वो है यहाँ का बगीचा जिसे बागे बाहू से भी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये सब कुछ एक ही कैंपस में है जहाँ पर आप अपनी फैमिली को लाकर एक अच्छा सा इवनिंग स्पेंड कर सकते हो। सो दिस इज़ द अप्रोच पाथ टू द काली मंदिर जो इस बगीचे के पास है, बागे बाहू। सो वी आर एक्चुअली वॉकिंग टूवर्ड्स द काली मंदिर नाउ। आपको दिखा देते हैं अंदर से भी, अच्छा बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये जम्मू का। जैसे आप लोग जानते हैं, जम्मू इज़ नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल, द काली माता का टेम्पल, काफ़ी प्राचीन मंदिर। देखिए कितने सारे डिवोटीज दिख रहे हैं हमको जो इस मंदिर में माता टेकने आए हुए। As the shops throng on both the sides of this pathway makes this site a unique one as we approach towards the Kali Mandir. So देखिए दोस्तों, ये है प्राचीन काली मंदिर जिसकी बड़ी मान्यता है जम्मू में। आपको इसकी एक नज़र दिखा देता हूँ एंड हम यहाँ से चलेंगे बगीचे की ओर। यहाँ भी काफ़ी बंदर, जो कभी कभी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बंदरों से। सो दोस्तों, ये है बाहू फोर्ट जो यहाँ के रूलर बाहू लोचन जी ने 3000 ईयर्स के पहले कंस्ट्रक्शन की थी। और ये है बागे बाहू, एक बगीचा है ये जिसे हम बाद में विजिट करेंगे, अभी फोर्ट और मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अंदर जाके आए हैं, मैं अंदर जाके आया हूँ बट अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब अलाउड नहीं था तो मैं कुछ ले नहीं पाया।
बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल टेम्पल, बावी माता का मंदिर भी कहते हैं इसे। एंड इसमें काफ़ी सारे सैंक्टम्स हैं और काफ़ी सारे डेटीज़ हैं, एंड वो गॉड की बड़ी मान्यता है, भगवान देवी की बड़ी मान्यता है यहाँ पर। तो ये बहुत खूबसूरत सा लोकेशन है जहाँ आप सबको एक बार ज़रूर आना चाहिए। सो दोस्तों, अपने आपको मंदिर का दर्शन हो गया है मेरा, अभी आपको ले चलते हैं बगीचा जो यहाँ बागे बहू के नाम, बाहू के नाम से बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है यहाँ पर। एंड वहाँ पर एक एक्वेरियम भी है जो इस रीजन का सबसे बड़ा एक्वेरियम जाना जाता है। चलिए वहाँ चलते हैं। सो ये है प्राचीन रास्ता, भी काफ़ी प्राचीन लग रहा है। म्यूजिकल फाउंटेन लिखा तो है बट आई डोंट थिंक कोविड में ये सब होगा, दिखा देंगे उन्हें। सो आई थिंक म्यूजिकल फाउंटेन्स वगैरह बंद होगा, बट वी कैन एक्चुअली एंजॉय द बगीचा। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ वी विल टेक अ लुक एट दिस एक्वेरियम। इसके लिए टिकट की ज़रूरत होगी, चलिए देखते हैं टिकट। आई थिंक इट इज़ 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स। सो जैसे आप देख सकते हैं हम इस समय एक्वेरियम की ओर बढ़ रहे हैं, एंड एक बार ये एक्वेरियम हम देख लेंगे। सुना है काफ़ी बहुत सारा स्पीशीज ऑफ फिशेस है यहाँ पर, एंड वेल मेंटेन्ड है एक्वेरियम। सो इसे एक बार देख लेते हैं, देन बाग की ओर बढ़ेंगे, बागे बाहू। Starting a fish welcoming us and a garden, a beautiful garden, a picnic spot जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ कुछ वक्त बिता सकते हो। दोनों तरफ ऐसे लग रहा है कि you are being welcomed with some sparklers, with some firecrackers, and look at this beauty. सो हम फाइनली पहुंच गए इस मछली की ओर, इसकी वी आर एंटरिंग दिस फिश, वी हैव दिस जायंट फिश वेलकमिंग अस ऑन दिस एक्वेरियम। श्योर विजिट, जम्मू आओगे तो श्योर ये विजिट करना ही है आप लोगों को। चलिए अंदर चलते हैं। वेल मेंटेन्ड एक्वेरियम, मेनली एक्वेरियम है ग्राउंड फ्लोर में। आई मीन इट इज़ -1, -2 ऑफ द ग्राउंड लेवल, विच मेक्स इट इवन मोर यूनिक। ओके गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये एक्वेरियम काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, एंड काफ़ी आप इसे फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं वर्ल्ड लीडर्स के। एंड ऑन द अदर साइड ऑफ दिस हॉल देर आर दिस स्मॉल एक्वेरियम जहाँ पर लाइव फिशेस भी है, एंड दे हैव अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ फिशेस।
ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक अभी मछली के चंगुल से तो निकल गए हम, इस एक्वेरियम से तो बाहर आ चुके हैं, बट इस ब्यूटी ने हमें घेर लिया. आई मीन वी आर क्या बोलूँ, हमें पूरा खा लिया इस ब्यूटी ने. अभी आपको दिखाता हूँ ये ब्यूटी, आप भी देखिए, कैमरा घुमा रहा हूँ, देखिए अभी एंड एन्जॉय इट. ये देखिए दोस्तों, दिस इज़ कॉल्ड ट्रू नेचुरल ब्यूटी. तवी रिवर जो आपको सामने दिख रही है, और आपको जो एंड में जो एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, ग्रे कलर बिल्डिंग, ये इनका सेक्रेटेरिएट है जम्मू. एंड यहाँ से देखिए लगभग आपको कंप्लीट जम्मू सिटी दिख रहा है. दिस इज़ अ व्यू टू डाई फॉर. देखिए आप भी एंजॉय कीजिए, मैं तो इसे फुल एंजॉय कर रहा हूँ. इस तरह का व्यू देखना बहुत ही, मिलना ही बहुत ही दुर्लभ है. हैव अ लुक एट दिस व्यू मैन, दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यू ऑफ द जम्मू सिटी फ्रॉम द बाहू फोर्ट. ये एक पिक्चर्स की लोकेशन है जहाँ पे आप सबको आना ही है. इफ़ यू विजिट जम्मू, डू नॉट मिस दिस प्लेस. ये सीनरी का एक पहलू है सिर्फ, और एक्चुअली दिस इज़ लाइक 180 डिग्रीज का एक व्यू है, ये एक पैनोरामिक व्यू है. ये अब इस तरफ आप देखिए, आपको एक ब्रिज दिख रहा है, सन एंड द ब्रिज. दिस इज़ ब्रेथ टेकिंग, रियली ब्रेथ टेकिंग. देखिए आप वहाँ पे आपको रोड दिख रहा है, दैट इज़ व्हीकल ब्रिज है वो, एंड सूर्य उसके सामने, उसके पीछे जस्ट सनसेट हो रहा है, एंड इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 5:30 राइट नाउ. एंड जम्मू में इट्स सनसेट्स अ लिटिल अर्ली. देखिए फिर से आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ, आप जी भर के इसे अपने आँखों में बसा लीजिए इस समय के लिए. मे बी इन द फ्यूचर इफ़ यू मैनेज टू विजिट जम्मू, इस प्लेस को आप लाइव देख लीजिए. दिस इज़ अ प्लेस वर्थ विजिटिंग रियली. अब ये है बाहू फोर्ट जो मैं दिख रहा हूँ आपको, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया था. सो दिस इज़ द बाहू फोर्ट विच आई एम शोइंग यू. सो गाइस, दिस इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू शो यू इन बाहू फोर्ट. अब हम चलते हैं बाहू गार्डन की ओर, बाग ए बाहू जिसको कहते हैं, एंड वहाँ से भी कुछ नज़ारे भर लेंगे अपनी आँखों में, एंड वी विल बी बैक फॉर टुडे. आई मीन दिस इज़ ऑल वी कैन कवर टुडे, एंड मे बी वी विल कवर समथिंग ब्यूटिफुल द नेक्स्ट डे. लेट अस गो टू दिस बाहू, बाग ए बाहू, वहाँ पर कुछ नज़ारे देख लेंगे. चलिए. सो दोस्तों, अभी हम एंटर कर रहे हैं बाग ए बाहू. सो आज के दिन के लिए ये हमारा फाइनल स्पॉट होगा, एंड सुना है ये गार्डन बहुत ही सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल, जिसे अच्छा वेल मेंटेन्ड है. और जो आप वो फाउंटेंस सामने देख रहे हैं, रात को ये म्यूजिकल फाउंटेंस में कन्वर्ट कर जाते हैं, कलरफुल म्यूजिकल फाउंटेंस. एंड इस गार्डन को भी आप देखिए ओवरऑल अ वेल मेंटेन्ड गार्डन, जैसे इन्होंने ट्रीज़ को और वेजिटेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया है, एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. क्योंकि आजकल आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन का ज़माना है, एंड हैविंग अ गुड वेजिटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अगर हमको सर्वाइव करना हो तो. देखिए इस गार्डन को, वेल मेंटेन्ड, अ वेरी गुड पिकनिक स्पॉट. ये बगीचा एक्चुअली इट इज़ अपने फोर्ट की तरफ ही लगा हुआ है, एंड लोग यहाँ से इवनिंग स्ट्रॉल्स, इवनिंग वॉक लेने आते हैं, एंड अपने लीजर में आराम से आप वॉक ले सकते हो. देखिए नज़ारा देखिए, सामने तवी रिवर, उसके ऊपर सनसेट होता हुआ.
तो ये है म्यूजिकल फाउंटेन्स एंड यू कैन सी दोज सीट्स आउट देयर, जैसे ऑडिटोरियम टाइप बना हुआ है। तो जब नॉन कोविड के ज़माने में इट यूज़ टू हैपन, बट एट दिस मोमेंट ऑब्वियस रीजंस कोविड एंड सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह चाहिए, सो दे हैव स्टॉप्ड दिस म्यूजिकल शोज। वरना दिस यूज़ टू बी अ ब्यूटिफुल फाउंटेन जस्ट इट इज़ सिमिलर एज वृंदावन गार्डन्स इन मैसूर, मे बी मोर ब्यूटिफुल देन दैट। तो चलिए आगे चलते हैं। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.